हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपाला ऑनलाइन पाठशाला। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग रेगुलर स्टडी। सो हियर योर असिस्टेंट टीचर इज बैक विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, मार्केट अराउंड अस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट इज रेगुलेटेड मार्केट, व्हाट इज अनरेगुलेटेड मार्केट, वेयर डज फार्मर सेल इट्स प्रोडक्ट्स एंड मेनी अदर टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मार्केट अराउंड अस। हम मार्केट वर्ड सभी ने सुना है, लेकिन हम मार्केट क्यों जाते हैं? ताकि हम हमारी डेली नीड्स की जो चीजें हैं उन्हें वहां से खरीद सके। वहां पे जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें पता है कि वहां पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं। देयर आर मेनी शॉप्स, स्वीट शॉप, गार्मेंट शॉप, फुटवेयर शॉप एसेट्रा। सो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू सेल एंड बाय इट्स प्रोडक्ट। अब मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे सेलर और बायर होते हैं। सेलर क्या करता है? अपना प्रोडक्ट सेल करता है। बायर क्या करता है? अपना प्रोडक्ट खरीदता। फ्रॉम वेयर डज सेलर गेट इट्स प्रोडक्ट? अब हमें जो हमारी जरूरत की चीजें चाहिए वो हम मार्केट से जाके जो बेचना होता है, जो शॉपकीपर होता है, जो सेलर होता है, उससे ले आते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वो शॉपकीपर या सेलर अपना प्रोडक्ट कहाँ से लाता होगा, या कहाँ से वो इतने सारे ले आते हैं जिसे वो आगे बेचता है? तो इससे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वेजिटेबल्स का। अगर हम आज एग्जांपल लेते हैं 50 किलो ऑफ टोमेटोज, 50 किलो टमाटर। सो एज वी ऑल नो दैट इफ यू नीड वेजिटेबल फॉर अवर डेली नीड एज फॉर कुकिंग, सो वी विल गेट इट फ्रॉम द सब्जी मंडी। लेकिन जो सब्जी मंडी में बेच रहे हैं वो कहाँ से लाए? उन्होंने किससे खरीदा? गांव से खरीदा, किसान से खरीदा। किसान क्या करता है? 50 किलो टमाटर उगाता है अपने खेत में, तो 2 किलो टमाटर अपने घर की जरूरत के हिसाब से रखकर बाकी के 48 किलो टमाटर जाकर मार्केट में बेच जाता है ताकि वो हमें मिल जाए और हम फिर उसका इस्तेमाल कर सकें। ओके, सो व्हाट आर द 3 वेज फॉर फार्मर टू सेल सरप्लस? अब जितना उसके पास एक्स्ट्रा है, जो भी हमने देखा 48 kg है, वो उसे सेल करने के लिए उसके पास कौन से 3 तरीके? तो ये रहे बेटा वो 3 तरीके। फर्स्ट इज मनी लेंडर। मनी लेंडर इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द विलेज हु विल गिव लोन टू द फार्मर्स और द नीडी पर्सन फॉर फुलफिलिंग इट्स नीड। अब मनी लेंडर एक ऐसा आदमी होता है गांव का जो बहुत ही ज्यादा रिच होता है। वो जब भी किसी को जरूरत होती है पैसों की, चाहे वो फार्मर हो चाहे फिर किसी और काम के लिए जरूरत हो, तो वो उन्हें पैसे प्रोवाइड करवाता है, लोन देता है और उसमें इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, अब मनी लेंडर जब भी कोई फार्मर मनी लेंडर से लोन लेने के लिए आता है तो वो उससे कहता है कि मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है वो आप किसी और को सेल ना करके आप किसे सेल करोगे? मनी लेंडर, मुझे ही सेल करोगे। अब जब 48 kg टमाटो मार्केट में अगर फार्मर बेचने जाता है तो उसको 20 रुपए 1 किलो के मिलते हैं, लेकिन मनी लेंडर उससे 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेता है। अब सोचने वाली बात है कि मैम फिर फार्मर 10 रुपए में बेचता क्यों है? तो बेटा फार्मर ये सोचता है कि आगे जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी या किसी काम की या कुछ भी मतलब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये मनी लेंडर ही मेरे काम आएगा। इसीलिए इस दबाव में आकर के वो मनी लेंडर को सेल कर देता है सारे के सारे टमाटोज। अब ये क्या करता है मनी लेंडर, 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीद के मार्केट में 20 रुपए के हिसाब से बेच देता है, मीन्स डबल रेट में बेचता है और अपना प्रॉफिट भी कमाता है। अब इस मनी लेंडर को क्या फायदा हुआ? एक तो डबल रेट में बेच के पैसे आ गए, दूसरा इसको जो लोन दिया था फार्मर को उसका इंटरेस्ट आ गया, और जो ये प्रॉमिस और ये जो बोला जाता है इसको बोला जाता है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब होता है लोन जाल, मीन्स जाल में फंसा लेता है ये कि मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन आपको जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा वो आपको मुझे सेल करना पड़ेगा। सेकंड है बेटा हार्ट्स।
हाट होते हैं, टाइम टू टाइम लगने वाले मेले जो कहाँ लगते हैं, गांव में लगते हैं। इसमें फार्मर क्या करता है, सीधा अपना प्रोडक्ट मीन्स जो हम टमाटर की बात करते हैं, टमाटर ला करके वहां पे उस हाट में बेचता है। अब हाट में बेचने से वो एक एक किलो जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो वो हाट एक मंडी की तरह, मंडी नहीं कह सकते, मीन्स हाट एक बाजार की तरह ही होता है जहाँ पे उनको कंज्यूमर्स उनसे प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। अब वो जो फार्मर है वो सभी को बेच देता है और सही रेट पे बेचता है 20 रुपए किलो के हिसाब से। बीच में उनकी कोई भी चीटिंग नहीं होती और उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है हाट में। लेकिन वो हाट में बेच नहीं सकता, इसके पीछे कारण है क्योंकि उसको प्रॉमिस किया हुआ है उसको बेचने का मनी लेंडर को। तो ऐसा बहुत कम होता है कि एक फार्मर अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचे, हाट में। तीसरा बेटा ऑप्शन है मंडीज। मंडीज होती है बेटा, हमने अभी देखी नोहर में सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, तो इन्हीं सब मंडियों में आकर के फार्मर अपना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यहाँ बेच के जाते हैं। लेकिन लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि फार्मर रहता है गांव में, मंडी है शहर में, तो यहाँ से यहाँ तक आना उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। खुद को आना हो तो समझ भी आता है, लेकिन इतना सारा जो उसका प्रोडक्शन है उसको भी उठा करके यहाँ पर लेके आना इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। इसलिए वो सोचते हैं इतना पंगा दो, इससे अच्छा मैं किसको बेच देता हूँ, मनी लेंडर। जब ये मनी लेंडर को बेचता है तो इस प्रोसेस को, जब फार्मर अपना प्रोडक्ट मनी लेंडर को बेचता है, मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, तो उस मार्केट को बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। क्या बोलते हैं? अनरेगुलेटेड मार्केट, जो बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के फार्मर अपना प्रोडक्ट किसी को भी बेच दे या फिर चीटिंग हो रही हो फार्मर के साथ, तो उसे अनरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। तो लेकिन रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? रेगुलेटेड मार्केट बेटा ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे फिक्स होता है कि इस एक किलो के आपको इतने रुपए मिलेंगे, चाहे वो कोई भी फार्मर आ जाए, सबके लिए प्राइस इक्वल है। दूसरी बात, जो वहां पर ऐसी कमेटी तैयार बैठी होती है जो कि उनकी हेल्प करके फार्मर्स की, कि उनके साथ कोई भी चीटिंग ना हो। ठीक है, तो हमें समझ आ गया रेगुलेटेड मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ताकि फार्मर के साथ चीटिंग ना हो। इसमें एक कमेटी भी बैठती है जो कि सारा सामान फार्मर का किसको बिकवाती है, ट्रेडर को, व्यापारी को बिकवाती है। जबकि अनरेगुलेटेड मार्केट का क्या किस्सा है, अनरेगुलेटेड मार्केट में फार्मर्स अपना प्रोडक्ट मनी लेंडर को या किसी एक ऐसे इंसान को सेल कर देते हैं जो उनके साथ चीटिंग करता है, और फिर मनी लेंडर आगे बेच देता है जिसको उसकी जरूरत हो उनको बेच देता है हाई रेट में, मतलब प्रॉफिट किसको हुआ, मनी लेंडर को। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट का प्रॉब्लम। अब ड्रॉबैक्स क्या है अनरेगुलेटेड मार्केट के? सबसे पहला ड्रॉबैक है कि फार्मर के साथ चीटिंग होती है, फार्मर्स को पता नहीं होता कि प्राइस क्या चल रहा है मेरी फसल का मार्केट में, उस अकॉर्डिंग वो अपनी फसल नहीं बेच पाता, पहला ड्रॉबैक। ऐसे तीन ड्रॉबैक दे रखे हैं इसमें। सेकंड है कि जो मंडी की कंडीशन होती है, मींस जो मार्केट की कंडीशन होती है, वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक वो ये है कि अभी हमने देखा कि अनरेगुलेटेड मार्केट में फार्मर उगाता है, फार्मर बेचता है मनी लेंडर को, मनी लेंडर किसको बेचता है, दुकानदारों को। तो इस फार्मर और दुकानदार के बीच में ये मनी लेंडर आ गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट आधा किसमें बढ़ गया, मनी लेंडर में। अगर यही फार्मर सीधा इसको बेचता तो प्रॉफिट ज्यादा किसको मिलता, फार्मर को। तो तीसरा ड्रॉबैक जो है कि बीच में बहुत ज्यादा इंटरमीडियरीज होते हैं जिससे फार्मर का प्रॉफिट कम हो जाता है। सो हमें समझ आ गया रेगुलेटेड मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट पे आगे का हमारा चैप्टर जो हम डिस्कस करते हैं। रेगुलेटेड मार्केट, अब रेगुलेटेड मार्केट मैंने अभी आपको बताया, रेगुलेटेड मार्केट या तो एक कमोडिटी या फिर ग्रुप ऑफ कमोडिटी के लिए होता है, मीन्स या तो किसी एक चीज के लिए या फिर ग्रुप के लिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अनाज मंडी, अनाज मंडी मीन्स यहाँ सिर्फ अनाज के लिए क्या बिकेगा, अनाज में जितनी भी क्रॉप्स रिलेटेड टू
जैसे पल्सेस हो गई या फिर वीट फ्लोर ये सब कुछ जो क्रॉप्स होती है इन सब के लिए जो मार्केट है उसे बोला जाता है अनाज मंडी। हम इस प्रोडक्ट इस पूरी मंडी में एक कॉमन एक कमिटी होती है। इस कमिटी में कौन कौन होता है? पहला होता है एक स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मेंबर, तीसरा होता है ट्रेडर एक बड़ा व्यापारी, चौथा होता है कमीशन एजेंट या दलाल जिसे हम कहते हैं, और पांचवा होता है फार्मर। ये पांच जने मिलकर के एक कमेटी तैयार करते हैं और इस कमेटी का काम क्या होता है कि फार्मर के साथ किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा मार्केट तैयार होना चाहिए जहां पे फार्मर अपना प्रोडक्ट सही रेट पर सही वेट के साथ इसे बेच पाए, ट्रेडर्स को बेच पाए। अब ये जो फार्म ये मंडी होती है इसमें ये जो मेंबर्स होते हैं पांच, ये कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। इस कमेटी का सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है करेक्ट प्राइस, मीन सही जो उसके फसल का दाम है वो फार्मर को दिलाया जाए। दूसरा वेट शुड बी करेक्ट, मीन्स जो जो वेट होता है क्रॉप का, मीन्स फसल जो तोली जाती है वो एकदम सही तोली जाए। तीसरा नो चीटिंग, इसके अलावा भी बहुत तरीके की चीटिंग होती है तो वो फार्मर के साथ नहीं होनी चाहिए। और चौथा है सेटल डिस्प्यूट्स, कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है मंडी में तो उसे सेटल अप करें। ठीक है, ये सब समझ आ गया। अब इसके बाद रेगुलेटेड मार्केट है तो बहुत अच्छा, लेकिन चार ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से फार्मर यहाँ इस रेगुलेटेड मार्केट में नहीं आते। सबसे पहला जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, कि ये जो मंडियां हैं ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। कोई गांव का किसान है तो वो ऐसा सोचते हैं गांव में बेच दूं तो वो वहां पे अब मंडी तो नहीं है, मंडी में बेचने के लिए उसे नौकर आना पड़ेगा कोई गांव का है तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे मार्केट तो है नहीं तो मैं मेरा सामान उसको बेच देता हूँ मनी लेंडर को बेच देता हूँ। तो पहला पॉइंट हो गया अवेलेबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट है कन्वीनियंस क्रेडिट और क्वालिटी। ये चार पॉइंट हमें डिस्कस करना है। अवेलेबिलिटी हमें पता लगे, कन्वीनियंस, कोई फार्मर है गांव में रहता है वो सोचता है मैं नोहर जाऊं इतना दूर मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं कोई ना कोई एक ऐसी बड़ा ट्रक ढूंढूं जिसमें मेरी सारी फसल भी वहां तक पहुंच पाए तो उसे कन्वीनियंट नहीं लगता, इसलिए वो गांव में ही अपना सामान मनी लेंडर को बेच देता है। तीसरा क्रेडिट, शुरू में मैंने आपको बताया था ऐसे प्रॉमिसेस होते हैं मनी लेंडर से जिसे उन्हें अपना प्रोडक्ट किसे सेल करना पड़ता है मनी लेंडर को, क्योंकि उसने वहां से क्रेडिट मीन्स लोन लिया हुआ होता है। चौथा क्वालिटी, ऐसे बहुत सारे रेगुलेटेड मार्केट में भी जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से प्रोडक्ट के रेट फिक्स करते हैं या फिर फार्मर्स को देते हैं। अब उनका प्रोडक्ट चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का हो लेकिन उस फूड इंस्पेक्टर ऑलरेडी करप्टेड होते हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से फार्मर्स को अच्छे ग्रेड के सामान के भी कम ग्रेड वाले पैसे दिए जाते हैं, इसीलिए वो ये सोचते हैं हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये हमने रेगुलेटेड, अब ये जो रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड फार्मर मनी लेंडर ये सारा का सारा जो हमने डिस्कस किया ये था रूरल इंडिया, गांव की सारी बातें थी। अर्बन क्या होता है, शहरों में क्या होता है वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। वीकली मार्केट, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शहर है वहां पे एक डे फिक्स कर दिया जाता है, फ्राइडे मार्केट वेडनेसडे मार्केट। उसमें क्या होता है कि जो डेली यूज की चीजें होती है छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत कम रेट में हमें मिल जाती है, जैसे अप टू 500-600 इतने तक की, जैसे आप बैट चिप्स हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, सब्जियां हो गई, पिंस हो गई, ये सब जो छोटी छोटी चीजें मार्केट में लेने जाते हैं ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट का डे फिक्स होता है पहली बात। दूसरी बात,
चीपर रेट, रेट बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, मोर कॉम्पिटिशन। एक ही चीज की वहां पे चार दुकानें होती है और अगर एक दुकान वाला ज्यादा प्राइस चार्ज करे तो उससे कोई भी नहीं लेता, वो सीधा उठ करके जो कंज्यूमर है वो दूसरी दुकान पे चला जाता है। ऑल थिंग्स एट वन प्लेस, सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक ही जगह पे मिल जाती है। और अब ये सब चीपर रेट की बात करें सबसे पहले तो सस्ते में क्यों मिलता है? आप एक बात सोचिए कि अगर कोई एक शॉप जो कि मार्केट में है या कोई एक बहुत अच्छी जगह पे है तो उसका रेंट भी आएगा, उसे शॉपकीपर को हर महीने रेंट देना पड़ेगा, सेकंड शॉपकीपर को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, थर्ड इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर वो एक शॉप है या शोरूम है तो वहां पे उसे वर्कर्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि कंज्यूमर्स को हैंडल करे या कस्टमर्स को हैंडल करे। लेकिन वीकली मार्केट में कोई शॉप नहीं होती, ठेला सा होता है जो कि जहां वीकली मार्केट चल रहा है वहां जाकर के लग जाता है। सेकंड, अब वो शॉप नहीं है, एक टेम्परेरी शॉप है एक दिन की जो सुबह लगेगी शाम को खत्म हो जाएगी, वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग भी करवाने की जरूरत नहीं है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वर्कर्स अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ये जो लोग होते हैं ये खुद का काम खुद करते हैं सारा, और अगर फिर भी उन्हें लगता है कि हमें किसी की जरूरत है तो वो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प देते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ जाकर उनकी हेल्प करते हैं। तो ये सब हमारा वीकली मार्केट का था। अब देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, एक बार मैं चेक कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है मॉल या एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे एक साथ बहुत सारी शॉप्स हो। अब ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स होते हैं ये सिटीज में होते हैं, बिल्डिंग मैनी शॉप्स, एक शॉप नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती है, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड दोनों तरीकों के सामान इनको यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी एड टीवी में आती है, वो एड का जितना भी खर्चा है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सपेंसिव वे में बेच करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, और हम सभी कभी ना कभी मॉल में जरूर गए। नेक्स्ट इज होलसेल मार्केट। अब हम सभी को पता है कि जब कोई चीज तैयार होती है तो फैक्ट्री से सीधा हमारे पास तो नहीं आ जाती, फैक्ट्री वाले होलसेलर को बेचते हैं। फैक्ट्री में कोई चीज तैयार, फैक्ट्री वाले ने किसको बेचा? होलसेलर। होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। रिटेलर को किस? कंज्यूमर। अब देखिए, आप ये सोचिए कि एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, उसने 100 शर्ट बनाई, उस फैक्ट्री के पास तीनों चार होलसेलर थे तो उसने 25, 25, 25 और 25 क्या की, चार बंडल बनाए और होलसेलर को बेच दिए। 25 किसके पास आ गई शर्ट्स? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास ऐसे पांच रिटेलर होते हैं तो जब बनती है तो पांच पांच शर्ट्स आती है, तो ये पांच शर्ट किसके पास आ गई? रिटेलर के पास। अब रिटेलर के पास ऐसी पांच शर्ट है वो किसको बेच देता है? कंज्यूमर को। तो एक होलसेलर का काम समझ गए, जो कि एक बीच का आदमी होता है, फैक्ट्री से चीजें लाकर रिटेलर को देता है, रिटेलर हमें बेच देता है। लेकिन होलसेल मार्केट क्या होता है? होलसेल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो चीजें हैं वो लॉट्स में अवेलेबल होती है कि 25 का लॉट बना हुआ है, आप उठा लीजिए और आगे जाकर के बेच दीजिए। और यहाँ पे होलसेल को कम रेट पे मिलता है, वो थोड़ा सा रेट बढ़ा के रिटेलर को बेचता है, रिटेलर और रेट बढ़ा के कंज्यूमर को बेच देता है। जैसे फैक्ट्री से जब शर्ट निकली थी तब 100 रुपए की थी, होलसेलर के पास पहुंची तो 150 की होगी, 150 की फिर इसके पास पहुंची तो 200 की, और कंज्यूमर तक पहुंची तो वो 300 की होगी। समझ आया? तो 300 रुपए की शर्ट हमारे पास ऐसे पहुंचती है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन इन द मार्केट।
मार्केट मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, गुड्स का सेल एंड परचेज हो रहा है, कोई सामान खरीद रहे या बेच रहे हैं, तो उसके लिए मीडियम क्या मीन्स कैश यूज हो रहा है या फिर कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो हमें आज अभी इस टॉपिक में डिस्कस करना है। कैशलेस ट्रांजेक्शन फाइव। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांजेक्शन अगर हम कैश पे ना करें तो कैसे हम उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे आजकल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये निकल गए हैं। इनके अलावा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, मोबाइल में ऐसे ऐप्स निकल गए हैं जिसमें हमारे बैंक अकाउंट से सीधा पेमेंट किसको हो जाती है, बैंक को पेमेंट हो जाती है और इजी हो जाती है। तो सबसे पहले कैशलेस ट्रांजेक्शन 5%। अगर हम पहले का डाटा देखें तो सिर्फ कैशलेस ट्रांजेक्शन 100 में से कितने परसेंट होती थी, 5%। मीन्स ज्यादातर 95% कैश ही यूज होता था। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश। अब पहले क्या होता था कि हमें कभी भी हम घर से बाहर निकले कुछ सामान लेने के लिए तो हमें हमारा जो वॉलेट है वो पैसों का कैश का भर के रखना पड़ता था अपने पॉकेट में कि हमें सामान खरीदना है तो हमें कैश पर ही पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे जो डिपेंडेंसी हमारी कैश पर वो कम हो गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटी सोशल। वॉलेट भरा हुआ है पैसों से, बाहर जा रहे हैं, किसी ने पॉकेट मार ली या फिर बोलते ना किसी ने मीन्स चोरी कर ली, तो इन सब चीजों से अगर हम कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन मिल जाता है। ब्लैक मनी फ्री इंडिया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे करप्शन चल रहा होता है जिसमें कैश की पेमेंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन अगर हम कैशलेस ट्रांजेक्शन करेंगे किसी ऐप से पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो उसका सारा रिकॉर्ड किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और ब्लैक मनी का इश्यू नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको जब कैशलेस ट्रांजेक्शन होगी तो इसको हम ये बोलेंगे ब्लैक मनी फ्री इंडिया, कि इंडिया ब्लैक मनी से फ्री है। पैरेलल इकोनॉमी। पहले क्या होता था, कई लोग बिल देते थे, कई लोग नहीं देते थे, इसके बीच में क्या हो जाता था, करप्शन हो जाता था। लेकिन अब बायर को भी सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमने ये चीजें बेची है और सेलर को भी सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमने ये चीज यहाँ से खरीदी है, और इसी तरीके से पैरेलल इकोनॉमी चलेगी। हमें पता लगता रहेगा कि कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत आए तो हमें पता लग जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया ताकि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे एप्स यूज करना या कार्ड यूज करना सीख सके। फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मोटो है। फेसलेस, अगर हम घर बैठे बैठे पेटीएम से, फोन पे से पेमेंट करें तो उसमें हमारा फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पेपरलेस, कैश नहीं होगा, हमें पता है कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, तो उसमें वो जो पेपर यूज होता है कैश के लिए और नोट के लिए वो यूज नहीं होगा, और कैशलेस मींस कैश तो यूज हो गई। तो ये हमारा चैप्टर था मार्केट के बारे में, हमने सब कुछ उसमें स्टडी किया। इस वीडियो के बाद आपके पास पीडीएफ आ जाएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज होगी, तो उसे आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच।